अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां जिले के रेहटी में प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 12 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधनी विधानसभा की 14 टीमों के बीच मैच क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम दिवस 18 दिसंबर को आयोजित होने वाले फाइनल मैच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज श्री गौतम गंभीर क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होंगे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। रेहटी खेल मैदान पर आयोजन के संबंध में प्रेस से चर्चा करते हुए कार्तिकेय चौहान ने कहा कि इस टूर्नामेंट में बुधनी विधानसभा के 4000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें से चयनित 14 टीमों के खिलाड़ी अब रेहटी खेल मैदान पर प्रतियोगिता में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर महेंद्र सिंह सिसोदिया और पूर्व टेस्ट क्रिकेट ईश्वर चंद पांडे शामिल होंगे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है, ताकि वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अपने साथ साथ अपने जिले व प्रदेश का नाम भी रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कप के दौरान 15 दिसंबर को रेहटी में रोजगार मेले भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेक कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हुआ है, उस पर भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। क्रिकेट के साथ साथ मुझे लगता है कि खो खो जिसमें बेटियां भाग ले सके एवं स्थानीय खेल जो है उनको हमको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और केवल खेल ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ काफी लंबे समय से युवा संसद जो खेल से हटकर युवाओं की जिसमें दिलचस्पी होती है, जो एक आपको मॉडल पार्लियामेंट के परिप्रेक्ष्य में डालकर आपको मौका देता है कि आप अपने लीडरशिप का परिचय दे सकें, ऐसे कुछ आयोजन भी मैं सोचता हूँ कि हम अपने क्षेत्र में आगे आने वाले समय में करेंगे। अब औपचारिक रूप से वो रजिस्टर हो भी चुकी है एंड मोमेंट पे, तो आप लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब भी तैयारी कर कर आए। आज का दिन है प्रैक्टिस का, आज थोड़ा पत्रकार वार्ता के बाद ग्राउंड खुला है, जरा एक हाथ बॉल से प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी टीम काफ़ी मजबूत है और पत्रकारों को तगड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता है। तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4000 युवाओं की जो टीमें थी उनमें से अब 14 टीमें ऐसी बच गई हैं जिनका मैच यहाँ रेहटी में होने जा रहा है 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। ये टूर्नामेंट रेहटी के इस मैदान पे खेला जाएगा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी एवं ईश्वर चंद पांडे जो पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, कल की होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे और हम सबको मार्गदर्शन देंगे। 12 तारीख को कल ये टूर्नामेंट औपचारिक रूप से शुरू होगा, एक मैच होगा और उसके बाद आने वाले दिनों में बाकी मैचेस किए जाएंगे। ये सारे नॉकआउट पद्धति पर खेले जाएंगे, माने जो टीम हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। 18 तारीख को जब इसका फाइनल होगा तो स्वयं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और बल्लेबाज आदरणीय गौतम गंभीर जी एवं जो सांसद भी हैं दिल्ली से, वो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी में सभी खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए यहां पर उपस्थित होंगे।